Assalamualaikum everyone, I'm Pakistan Association Dubai ke ek naye building yahan bani hai wo dekhne ke liye aaye hain Faisal bhai ke sath jo ke president hai Pakistan Association Dubai ke unke sath sair karte hain aur inke kuch mazid funding inko abhi chahiye jo aap mein interested ho wo pat ke upar jo members ho wo inki donation bhi kar sakte hain 2 million dirham unko mazid raise karna hai ye hamara sports ka sara area okay क्रिकेट की प्रैक्टिस पिचेस हैं ऑस्ट्रो टर्फ और एक सीमेंटेड है फिर हॉकी फुटबॉल उसके पीछे हमारे फिर वॉलीबॉल बास्केटबॉल लॉन टेनिस और फिर ऑडिटोरियम है ऑडिटोरियम में हमारे इंडोर गेम्स जिसमें दो बैडमिंटन के कोर्ट्स हैं फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी और सिम्पोजिया फैसिलिटीज़ हैं और नीचे हमारे पास मल्टीपर्पज़ फैसिलिटी जिसमें 750 सीटिंग कैपेसिटी है और फिर आप हर किस्म के एक्टिविटीज देख सकते हैं बिल्कुल ये पूरा ऑडिटोरियम है तो ये कुर्सियाँ लगा देते हैं नीचे जी यहाँ पे हमारे पास वुडन फ्लोरिंग है जिसमें दो बैडमिंटन के कोर्ट हैं अच्छा जब गेम्स नहीं होती तो इसके ऊपर कारपेट और बैंकवेट फैसिलिटीज़ भी हैं थिएटर स्टाइल सेमिनार फैसिलिटीज एग्जीबिशंस भी यू कैन यूज इट फॉर मल्टीपर्पज एक्टिविटीज तो टिपिकल जो इसका चार्ज क्या होता है ऑडिटोरियम का अगर कोई यहाँ पे कोई इवेंट करना है फिर से कमर्शियल इवेंट इट कैन रेंज फ्रॉम 15,000 टू 10,000 डिपेंडिंग ऑन कि क्या उनके रिक्वायरमेंट्स हैं साउंड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और अगर सोशल इवेंट्स हैं मेंबर्स हैं सो दे गेट फॉर अ डिस्काउंटेड रेट व्हिच इज अराउंड 5,000 आल्सो ये कल सिंधी कल्चरल डे था तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर सिंधी आर्ट तो ये आप लोगों ने किया था नहीं दिस सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप कह लें सिंधियों का यहाँ देखें सो दे डू इट एवरी ईयर उसके लिए उनको भी पे करना पड़ता है जी एंड ऑफ द डे इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव टू सस्टेन तो हमारी जो मिनिमम कॉस्ट होती है वो हम चार्ज करते हैं इस सारी फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए अच्छा तो ऊपर भी सीटिंग है हाँ जी ऊपर भी तकरीबन 200 प्लस सीटिंग ऊपर है और बाकी नीचे है स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडियो विजुअल सिस्टम्स हमारे पास बेसमेंट है फॉर बैक स्टेज प्रेपरेशन कैन डू इवन लाइव ब्रॉडकास्ट सो यू कैन डू एनी सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटी आपके अपने क्या इवेंट्स होते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे आप कह लें कि क्योंकि कोई एनुअल रिचुअल्स हों आपके एनुअल इवेंट्स अगस्त 23 मार्च पे यहाँ पे यूथ नेशनल डेज पे एक्टिविटीज़ होती हैं फिर हमारे कुछ सिग्नेचर इवेंट्स यूथ फोरम करता है कुछ लेडीज़ फोरम उनका मीना बाजार टाइप इस तरह के फिर स्कूल्स के काफ़ी कॉम्पटिशन जो कम्यूनिटी स्कूल्स हैं अलामा इकबाल 9 नवंबर पे एक इकबाल डे पे होता है उसके अलावा एक साइंस फेयर स्कूल्स का होता है 11 साल होती हैं चीज़ें जी तो अगर हम एक्टिविटीज़ देखें तो वी हैव ओवर 200 प्लस एक्टिविटीज़ हैपनिंग अराउंड द क्लॉक अराउंड द ईयर जी अराउंड द ईयर Upstairs we have Niaz Muslim Library, which is named after a Down syndrome child. Niaz Muslim, but का नाम है तो family has donated in this name. Karachi में सिलोसा के नाम से बेबी डाला है. कैफेटेरिया आपने बताया था वो हर वक्त खुला होता है या नहीं खुला होता है? होगा अच्छा वो हर वक्त खुला रहेगा
पे हमारे आईकैप के एग्ज़ाम्स भी होते हैं जो पाकिस्तान के इदारा है, MRCOG के एग्ज़ाम्स जो UK रॉयल कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं, पूरे मिडिल ईस्ट का सेंटर भी यही है। एग्जाम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से देख रहे हैं कि पूरा उन्होंने लाइब्रेरी को एग्जामिनेशन हॉल बनाया हुआ है। तो लाइब्रेरी में हमारे पास तकरीबन 3000 के करीब किताबें हैं जिसमें उर्दू अदब, UAE पाकिस्तान की हिस्ट्री और बच्चों के लिए फिर ई एक्सेस है टू वेरियस लाइब्रेरीज। एंड वी हैव रेगुलर एक्टिविटीज़, तकरीबन हफ्ते में 3-4 लिटरेरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, जिसमें बुक रीडिंग है, बच्चों का यूथ का क्लब है, वीकेंड पे क्लासेस होती हैं बच्चों के लिए, यहाँ पे लेडीज़ फोरम की काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, ऑलमोस्ट डेली यहाँ पे अरबिक और कुरान क्लासेस हैं। उसके अलावा फिर अपने बैडमिंटन की कोचिंग है लेडीज़ के लिए, स्पोर्ट्स भी ऑलमोस्ट डेली शाम को यहाँ पे डिफरेंट अकेडमीज ऑपरेट करते हैं। क्लीनलीनेस के ऊपर आपको बहुत बहुत कूडोस, बहुत ही साफ सुथरा हर चीज़। जी, इस पर काफ़ी हमें ध्यान रखना पड़ता है। कुछ हमारे कल्चर ऐसा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सफाई पसंद नहीं हैं, और टेक्स लॉन्ग टू कन्विंस पीपल और उनको एजुकेट करना कि भाई सफाई क्यों ज़रूरी है। तो उस पर हम काफ़ी स्ट्रेस करते हैं, ज़ोर देते हैं यहाँ पे, और कोशिश करते हैं कि चीज़ों को साफ़ रखा जाए, उनको मेंटेन किया जाए। और हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव भी है कि उस क्लब को हम उस लेवल पर लेके जाएँ जिस तरह बाकी 21st सेंचुरी का दुबई है। तो इट शुड बी स्टेट ऑफ द आर्ट, शुड बी क्लीन एज इट शुड लुक लाइक, और हर चीज़ जो है वो एक्सटेंडेड की हो। ये हमारी नई बिल्डिंग है जिसकी अभी विद इन ओपनिंग होगी। उसके ग्राउंड फ्लोर, पूरी बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया है कि इट्स अ ग्रीन बिल्डिंग, इट डिपेंड्स ऑन नेचुरल लाइट, एनर्जी सेविंग होगी, सोलर पैनल्स का यूज़ है, LED लाइट्स हैं, पूरा ग्रीन मटीरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये पहला ग्रीन प्रोजेक्ट है किसी भी कम्यूनिटी की तरफ से पूरा मीना रीजन के अंदर। अगर आप देख रहे हैं कि ऊपर सन डोम है सेंट्रल लॉबी में, फिर पूरा फर्स्ट फ्लोर में वी हैव डक्ट्स फॉर नेचुरल डे लाइट। इसमें नीचे हमारे पास एडमिन ऑफिस है, अकाउंट्स, बोर्डरूम है, रेस्टोरेंट है, मस्जिद है लेडीज़ और जेंट्स, तकरीबन 150 कैपेसिटी है उसकी। और फिर फर्स्ट फ्लोर पे वी हैव दी मेडिकल सेंटर, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, जो शायद आफरीदी फाउंडेशन के नाम पर। वो पूरा उन्होंने बनवा के दिया, उन्होंने हेल्प किया शायद आफरीदी ने टू रेज 1 मिलियन डॉलर्स। फर्स्ट फ्लोर जिसमें हमारा पाकिस्तान मेडिकल सेंटर है, इट इज़ द फर्स्ट नॉट फॉर प्रॉफिट मेडिकल सेंटर इन द एंटायर GCC रीजन बाय एनी कम्युनिटी। इसकी फीस नहीं होगी, इसमें जो नीडी लोग हैं उनके लिए फ्री है, जिनके पास इंश्योरेंस है दे आल्सो बी केटर्ड, द सेल्फ पेइंग है वो भी कर सकते हैं। आगे देखते होंगे जो डक्ट्स हैं फॉर नेचुरल लाइट, अगेन without any lights on, ये रोशन है। वी हैव तकरीबन 12 स्पेशलिटीज होंगी, इंक्लूडिंग लैब, रेडियोलॉजी एंड डेंटल फैसिलिटीज। तो गवर्नमेंट ने या कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये तो
क्लब की एरिया थी आप इसमें मेडिकल फैसिलिटी क्यों बना रहे हैं? जी, वी आर द फर्स्ट क्लब हैज बीन गिवन, जिनको परमिशन दी गई है हेल्थ और उनके लाइसेंस में इंक्लूड किया गया, नो अदर क्लब इज अलाउड टू डू इट। और उसकी वजह यह है कि वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 10 इयर्स ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ सर्विस टू नीडी पीपल। और इसकी खूबसूरती यह है कि दिस इज़ ओपन टू ऑल नेशनैलिटीज, नॉट ओनली पाकिस्तानीज। And we believe that this is a year of tolerance जो यू ई का है, and this is the perfect example of tolerance, in fact a gift of tolerance from the Pakistani community to other communities. Now this is our seminar room, जिसमें we can easily accommodate up to 100+ people, and again it will be used for various activities, CMEs, continuous medical education, different awareness campaigns, और कोई भी सेमिनार हम अरेंज कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा इसको आप अपना वो 47 बना दें। दिस विल बी एन एडजंक्ट टू दैट, वो उसके भी मैं स्पेस दिखाता हूँ कि वी विल बी डूइंग एक्टिविटीज हियर। दिस इज आवर हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, जो शायद अफरीदी के नाम, उसके फाउंडेशन के नाम थे। अस्सलामुअलैकुम, ये उसका मेंस मेल सेक्शन है, इसके पे चेंज रूम्स, वॉशरूम सब कुछ इधर है। एंड दिस विल एक्ट एज रीहैब एंड फिजियो इन द डे एंड जिमनेजियम इन द इवनिंग, एंड दिस विल बी अ रेवेन्यू सोर्स फॉर अस आल्सो। तो ये इंक्लूडेड नहीं होगा मेंबर्स के लिए? नहीं, देयर हैव टू पे अगेन, मेंबर्स विल गेट अ नॉमिनल चार्ज, और द नॉन मेंबर्स हैव देयर पे फी फॉर इट। लेडीज के लिए हमने फिर अलग से सेक्शन रखा हुआ है, जिसमें आप अपना एंड देव सेपरेट चेंज रूम्स, वॉशरूम्स, लॉकर्स। और ये एरिया हब 47 के नाम से जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को हम प्रोवाइड करेंगे, बट दे कैन सेट एंड वर्क। और जो सेमिनार रूम दिखाया था, दे कैन प्रेजेंट देयर आइडियाज देयर आल्सो। अब रूफ टॉप पे वी हैव अ फैसिलिटी फॉर एन ओपन एयर बारबेक्यू, और देख सकते हैं जी, वी कैन गो अपस्टेयर। हमारे लेफ्ट साइड पे हैं, एंड वी हैव ऑलरेडी गॉट सम सोलर पैनल्स, बाकी भी हम और इंस्टॉल करेंगे। तो हमारी काफ़ी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से आएगी। और फिर इस साइड पे विल हैव ओपन एयर बारबेक्यू एरिया, डाइनिंग एरिया, कैफे कहाँ होगा? स्पोर्ट्स कैफे, वो नीचे था डाइनिंग में। और स्पोर्ट्स कैफे का भी कॉन्सेप्ट है, जो कि हम ओपन एयर, इसलिए हमने इसकी सारी ग्लास फेंसिंग की है, तो वेयर वी कैन ईजली सी द सिटी व्यू जब आप बैठे होंगे शाम को। यहाँ से आप बुर्ज खलीफा भी देख सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपका 47 जो एरिया 47 है या जो भी नाम है जी, उसमें आप कंटिन्यूस वन अप का भी ऑप्शन डालें, कि अगर आप जो भी आपकी आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए आप एक स्किल ऐड करें, जाके आपकी आमदनी बढ़ सके। क्योंकि वो सबसे बड़ा, अगर एक आदमी गरीब है जब भी उसको हेल्थ की फैसिलिटी पड़ रही, अगर वो अपनी स्किल ऐड कर लेता है तो उसको वो जाके इंश्योरेंस खरीद सकता है, या किसी हेल्थ की फैसिलिटीज़ तो दुबई में कम नहीं है। तो उस पर फोकस अगर थोड़ा सा कर लें, कि हम देने वाले हाथ भी पैदा कर रहे हैं, सिर्फ लेने हाथ वाले ना करें, so they will feel more empowered, and that room should be dedicated for that, I think. तो मैं ये नहीं आता ये ऐड कर लो तो 10% ऐड हो जाएगा, ये नहीं आता ये कर लो, जैसे आपने कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन होती है, बिल्कुल इसी तरह जी। कंग्रेचुलेशन जी, फैंटास्टिक जॉब, कूडोज टू यू एंड योर टीम। बहुत बहुत मुबारक है आपको। थैंक यू जी, शुक्रिया। तो अगली दफ़ा मैं आऊँगा जब ये चल रहा होगा इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाएंगे। और अभी तक के लिए खुदा हाफिज़। डोनेशंस भिजवा दीजिएगा अगर आपका मूड हो, नहीं तो मेंबरशिप तो इसकी ज़रूर लें। इवन अगर आप पाकिस्तानीज हैं जो ट्रैवल करते हैं दुबई के थ्रू ज़्यादा, आपको मेंबरशिप रखनी चाहिए। फिर डॉक्टर साहब को बताएं कि आपको क्या फैसिलिटीज़ चाहिए एज अ मेंबर यहाँ पे, जाके वो उसमें वो ऐड करें। अगर ज़्यादा लोग एक चीज़ डिमांड करेंगे तो ये एसोसिएशन हमारी है, हम ही बताएंगे कि भाई इसमें क्या होना ज़्यादा चीज़, जो जमहूरियत का ज़माना है।
एंड वो उसमें कोशिश करेंगे ऐड करने की. दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट आई थिंक. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब.